तो दोस्तों अब आज ईद के दिन की शाम हो चुकी है और रात होने जा रही है और हम कहाँ जा रहे हैं जी मेरा बेटा? हाँ नन्ना, एक तो मेरा बेटा सस्पेंस ही नहीं क्रिएट रहने देता, नन्ना के घर जा रहे हैं, मेरे नहीं रे बाबा बेटे के। हाँ जी दोस्तों हम लोग जा रहे हैं तो पहचान के जरा चुके आप लोगों को। हम लोग हमेशा अपने घर के अंदर ईद किया करते थे और अब अल्लाह का करम है कि हमारा यहाँ पर एक और घर हो चुका है और हमें आज ईद के दिन दावत दी गई है कि जी आए आप लोग हमारे घर डिनर के ऊपर। तो अब हम लोग जा रहे हैं फूफे जान के घर, तो चलिए जी दोस्तों हम सब तो जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ ही आ जाओ फ्री के अंदर। चलो चलिए। हाँ जी हाँ जी जी दोस्तों, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपनी पुपी जान के घर में और अल्हम्दुलिल्लाह ये माशाअल्लाह ताला की एक देन है हमारे लिए। माशाअल्लाह मेरा ददिहाल जो है वो मेरे अपने शहर के अंदर मौजूद हो चुका है, जिसकी वजह से ये पहली ईद है जो कि हम लोग अपने घर में बनाने के बजाय जो है अपनी पुपो की तरफ आए हैं। एंड आप लोगों को एक मजे की बात बताता चलूं कि ये जो ख्वाहिश है ये ख्वाहिश बहुत पुरानी सिर्फ मेरी नहीं, मेरे वालिद की ख्वाहिश थी कि हमारा यहाँ पर एक घर होना चाहिए जहाँ पर हम लोग भी ईद के ऊपर आए जाएं। मतलब हमारे रिलेटिव्स जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के अंदर फैले हुए, हमारे ही शहर के अंदर नहीं थे। तो मेरे वालिद ना एक बड़े मजे की ना मजाक मजाक में बात किया करते थे, वो कहते थे यार रिश्तेदार तो हमारे सारे इधर उधर फैले हुए, तो मैं अली की शादी करूंगा पिंडी के अंदर ताकि जो है ना यहाँ पर हमारा भी एक घर और हो जाए। तो मेरी शादी तो जनाब हुई कराची के अंदर, लेकिन कराची से मेरा ददियाल जो था वो पिंडी शिफ्ट हो गया। तो मजे का सीन ये हो गया है कि अब हमारे यहाँ पर एक घर है। पापा जान आपकी रूह हैप्पी हो गई होगी इंशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों ये जो है ना भाई जो है ना ये खाना बना रहे बिरयानी कुक ये बॉय बिरयानी स्पेशल बिरयानी कराची की बिरयानी इन पिंडी इस्लामाबाद बॉर्डर बिरयानी बिरयानी कहते हैं, मेरे मैं बिरयानी बोल रहा हूँ। तो दोस्तों जी हम लोग आए हैं डिनर करने के लिए, आप लोगों ने देखा भाई जो है वो कुकिंग कर रहा है। मेरी पुप्पो की तबीयत ठीक नहीं है, उनको भी जोड़ों का दर्द है काफी ज्यादा और हालांकि मेडिसिन ले रही है लेकिन उसके बावजूद उनका दर्द बढ़ गया। मौसम का मैं बताता चलूं आप लोगों को दोस्तों, मौसम का आज सुबह थी गर्मी शदीद और अल्लाह ताला ने दोपहर से मौसम बदला है और मेरे अल्लाह का लाख लाख करम है कि मेरे अल्लाह ताला ने मौसम चेंज किया है, बहुत प्यारा मौसम हो गया है। और उसके साथ जब हल्की हल्की ठंड और हुनकी पड़ती है तो एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं जिनके जोड़ों में दर्द है, जैसे कि मेरी मामा जान और मेरी फूफी जान, इन दोनों को दर्द बढ़ जाता है। और आप दोस्तों से यही कहूंगा कि दुआ कीजिए कि मेरी मामा जान भी बिल्कुल सेहत और तंदुरुस्त हट्टी कट्टी मजेदार मेरी मामा रहें और मेरी फूफी जान बिल्कुल जबरदस्त हट्टी कट्टी मेरी सेहतमंद फूफो रहें। और ये मेरे बेटे ने मुझे खींच लिया जी मेरा बच्चा आप मेरी मामा जान जो हैं मेरे भी ददियाल में और अपने भी ददियाल में, हम दोनों का ददियाल माँ बेटे का ददियाल जो है ना वो यही है और ससुराल भी यही है, दोनों का ससुराल भी यही है। मतलब हम दोनों के अंदर दो चीजें कॉमन, हम दोनों का ददियाल प्लस हम दोनों का ससुराल। अच्छा सॉरी बात तो भूल ही गया ना मैंने, अभी काम का। हाँ मामा जान आपको अपने ससुराल बहुत अच्छा लगा, मैं तो तीन बार मिली हूँ ना। तीन बार? हाँ, एक चाचा की बेटी से मिली हूँ, एक अपनी नन से मिली हूँ, एक आपकी पप्पो से मिली। ये चीज दोस्तों मैं मैं तो दो रिश्तों से ही मिला हूँ, मेरी पप्पो मेरी पप्पो एक ही रिश्ते से मिला हूँ। हाँ जी मामा आपकी तो सास भी है। मैं नहीं मानता सास मास, ये रिश्ते हम नहीं मानते हम नहीं जानते। मेरी फुफो थी फुफो हैं फुफो रहेंगी,
कर लो जो करना है किसी ने, आहो पंजाबी माशाल्लाह मेरे बेटे को अल्लाह ताला इसी तरीके से अच्छा खेलता रखे। ओ भाई बेटा प्यार कर लेने दे यार, प्यार मारना पड़ा मुझे, प्यार मारना पड़ा, ये मेरा छोटा भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों वो कुमकुम ड्रामा एक आया करता था स्टार प्लस पे, 90s वाले बताए अपने जो 90s के दौर के हैं, कुमकुम ड्रामा आता था सुमित और कुमकुम, उस पे सुमित की शक्ल थोड़ी थोड़ी ऐसे मिलती थी, सुमित इस पे चला गया। दोस्तों वही पुरानी गलियों से, वही पुरानी यादों से गुजर के आया हूँ। वैसे तो हर रोज रास्ते में एक मकान आता है, लेकिन आज लगता है घर वापस आए। हाय ये देखें, दावत करवा के हमें यहाँ काम पे लगा दिया। दावत होती है मेहमानों की, कह रहे आके पतीला साफ करके दो हमें। तो वैसे भाई ने ना एक बड़ी जबरदस्त बात करती, दावत होती है मेहमानों की, घर वाले घर आके काम ही करते हैं। नहीं हम मेहमान हैं। मानने को तैयार नहीं है यार वो घर की बंदी। हाँ जी सही है, अब हम बोले ना बाहर का तो हमें मत बोलना कि बाहर के नहीं। सारा जमाना आ गया साफ करने का, साफ भी नहीं हो रहा, ये जमाना आ गया। किधर है, कहाँ बैठे हो? उधर उधर। कहाँ बैठे हो? नन्ना के पास बैठे हो अपने? हैं? नन्ना के पास बैठे हो? नन्ना पास हो? गोले? हाँ जी दोस्तों, तो बात कुछ ऐसी हो गई है कि ये मेरे ये जो अफाक है मेरा भाई, ये बना रहा था बिरयानी और इसको कोई इंग्रेडिएंट चाहिए उसके लिए जो कि है ही नहीं घर में। तो चूंकि बाहर मौसम है सुहाना, थोड़ा दीवाना थोड़ा मस्ताना, और ये तो हो गया एक गाना, तो बाहर था हमको जाना, तो इसलिए फिर हम लोगों को गाड़ी पर निकलना पड़ गया क्योंकि ईद है और सब कुछ बंद है। साथ ही साथ यहाँ पे फिल्टर प्लांट है जहाँ से पानी भर रहे हैं और फिर हम लोग चलते हैं। देखें जी की योजना है। जी दोस्तों, तो मैंने कहा आप लोगों को मैं दिखाता हूँ यहाँ पर चल क्या रहा है, कौन क्या कर रहा है। ये देखें जी दोस्तों, आज मेरी मम्मा का ना यहाँ पे फुल तरीन इंतजाम है, यहाँ पे चूंकि केबल नहीं लगी हुई लेकिन इंटरनेट के ऊपर मम्मा का फेवरेट ड्रामा लगा दिया, मम्मा मजे में मज्जा में। ये देखिए जी, ये आशिर मियाँ अपने छोटे मामू के साथ लूडो खेलते हुए, और कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। दो दफा मैं जीत गया। अरे जबरदस्त, और एक दफा नहीं। और आप एक दफा नहीं, वो दो दफा जीत गए छोटे मामू और आप एक दफा हार गए हैं। नहीं, दो दफा हार गए। ये मेरी मिसेज जो है शॉट बनाते हुए, और ये भाई जो है डेक बनाते हुए। ये देखें जी, ये बिल्कुल दोस्तों ऐसी फीलिंग आ रही है कि ऑर्डर पे खाने से। हाँ भाई ले लो बिरयानी 20 रुपए किलो, ताजा और बढ़िया बिरयानी 20 रुपए किलो, रस्ते का माल सस्ते में, आ जाओ ले लो 20 रुपए किलो, आ जाओ। आपकी शादी जो है वो बस हम अपनी शादी ब्याह नहीं करेंगे। हाँ जी बता रहे हैं ना, शादी भाई भाई लड़का बिरयानी बना रहा है, शादी भी हो जाएगी। आपकी नजर में कोई लड़की है तो बताएं भाई। बिरयानी बताना नहीं चाहिए उसे, तभी हम करेंगे वरना नहीं करेंगे। मेरा पहला प्यार बिरयानी है मुशायद, और दूसरा प्यार बिरयानी की दूसरी प्लेट। दोस्तों देख रहे हैं, जो कुमारी लड़कियां देख रही हैं उनके लिए रेडीमेड दूल्हा तैयार है जो बिरयानी बनाना जानता है। हाँ, आपको खाने पका पका के खिलाएगा। हाँ जी जी दोस्तों, तो आप लोगों को मैंने तमाम घर की सिचुएशन दिखा दी है कि कौन क्या कर रहा है।
ठीक है, मैं सिर्फ सिर्फ लोगों को कवर कर रहा हूँ। एक बार फिर ईद मुबारक। जी दोस्तों, तो आप लोगों ने सिनेमैटिक देख लिया है लजीज बिरयानी का, और अब हम खाने लगे हैं बिरयानी। और आप लोग ना तरसो जानी, घर अपने जाओ और खुद खाओ और पकाओ और बाजार से लाओ, जो मर्जी करना करो, नजर ना लगाओ, खाओ। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। जी दोस्तों, तो मज़ेदार किस्म की बिरयानी खाकर, उसके ऊपर टेस्टी टेस्टी सिवैयां खा के पुपेजान के हाथ की मज़ा आ गया। मैं उन इंसानों में से हूँ जिसको सिवैयां से किसी टाइप पर एलर्जी हुआ करती थी। मुझे सिवई खाना पसंद नहीं था। ईद के ऊपर सबसे बुरी चीज़ मुझे यही लगती थी जिसमें मुझे सिवैयां खानी पड़ती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी इतनी मज़े की सिवैयां मुझे मिल रही होती हैं। सुबह भी मुझे सिवई वो रफियाना बनाई थी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मिसेज ने बनाई, बड़ी मज़ेदार आई, उस वक्त मुझे अच्छी लगी। और ये वो थी मेरे ख्याल में कवामी सिवैयां कोई कहलाती है, शायद उस टाइप से मिलती जुलती थी, यानी कि सिवैयां अलग और दूध मिक्स करके अलग हो जाता है। और ये सिवैयां वैसे जो शीर खुरमा शायद कहलाता है, ये वो होती है जो नॉर्मल हर घर के अंदर सिवैयां मिल रही होती हैं। तो ये वो वाली मैंने खाई, ये और ज़्यादा टेस्टी थी। सुबह वाली इसके सामने कुछ भी नहीं थी, बिल्कुल सच्ची हकीकत बात है। माँ माँ होती है, बेटी बेटी होती है, बेटी उस लेवल पर नहीं पहुँच पाएगी जिस लेवल पर माँ होती है। हाँ, मुझे नहीं बुरा लग रहा, आप मुझे जलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपनी बेगम को क्यों जलाऊंगा, मैं लोगों को बता रहा हूँ कि माँ माँ होती है, बेटी बेटी होती है। मेरी फूफी नंबर वन है, उनकी बेटी नंबर टू है। बहुत तेज हो रहे हो, हैं? बहुत तेज हो रहे। चलो शुक्र है, दो नंबर कह दिया मैंने तुम्हें असल में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों, रात के 1:10 हो चुके हैं और हम अभी फूफो के घर ही हैं। यहाँ पर फोटो सेशन चल रहा था और फोटो सेशन चलने की वजह से हम लोग अभी तक यहीं हैं। और अभी आप लोग ईद का व्लॉग मेरा पहले देख लेंगे और सहरी का मेरा एक व्लॉग रमज़ान का पेंडिंग है जो मुझे दिखाना है, लेकिन असल में वो काफ़ी ख़ास है। उसके अंदर खाली सहरी नहीं है, उसके अंदर एक ऐसा सरप्राइज़ है जो मेरे भाई ने दिया है हमें, जो कि सोच में भी नहीं हो सकता था। तो उस व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। ईद का व्लॉग मैं इसलिए पहले डाल रहा हूँ क्योंकि फ़ौरन ईद आ गई और ये तो बनता था बॉस के ये पहले ही आ जाए, इसलिए ईद का व्लॉग आ रहा है। और इसके बाद अगला व्लॉग रमज़ान वाला आएगा जिसमें मेरे भाई ने एक खसूसी सरप्राइज दिया है, ये वाला। ये नहीं जी, मैंने कहा था ना दोस्तों, यहाँ पे कुछ ना कुछ चलता रहता है। और जब मुझे ऐसा लगता है कि नाउ दिस इज द फुल स्टॉप ऑफ थिंग्स, तो कोई नई चीज आ जाती है, जैसे कि अभी ये देखिए, अब कोल्ड ड्रिंक आ चुकी है। मैं रात के 1:10 के ऊपर कोल्ड ड्रिंक पीने लगा हूँ और ये अपने कोई चावल मारने वाले हैं। मैंने नहीं कहा, तुम्हें खड़ा देख रहा था, मैंने कुछ नहीं मारा, देखो मैं क्यों मारूंगा, मैंने कुछ नहीं मारा।
दोस्तों इस वक्त रात के 2:15 से भी ऊपर का टाइम है, 2:30 का टाइम है और हम लोग इस वक्त वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। आप लोगों की मेरी शक्ल नज़र आएगी नहीं आएगी, कुछ ऐसे ही माहौल है। गाड़ी के अंदर तकरीबन सब लोगों की हालत नींद से शदीद ख़राब है, इंक्लूडिंग मी। मुश्किल गाड़ी चल रही है लेकिन हम लोगों ने घर भी ज़रूर जाना था, इसलिए हम लोग घर की तरफ रवा दवा हैं। एक शहर में होने का यही फ़ायदा होता है, अदरवाइज़ तो फिर बंदे सोच भी नहीं सकता इतनी रात को घर के लिए निकलने का। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं तक था। आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा और हमारा आज के ईद का डे, हमारी ईद रूटीन टुडे की कैसी लगी, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें ताकि फ्यूचर की वीडियोस मिल सके। और जी हाँ, अगला व्लॉग के लिए बिल्कुल इंतज़ार करें क्योंकि अगले व्लॉग में कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज रिवील होने जा रहा है जो मेरे भाई ने मुझे दिया था। रमजान के महीने का व्लॉग होगा लेकिन सरप्राइज इज अ बिग सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू, सो स्टे ट्यून्ड टू अली फ्लिक्स। जाते जाते इस अपनेपन के साथ जाएंगे कि आप लोग हमें दुआओं में याद रखेंगे और अपना बेहद ख्याल रखेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। रुको जरा, सबर करो। मेरे बेटा ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, बोलो बोलो उधर पापा को। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, आज मेरा छोटा नवाब, मेरा गोला, मेरा गोला, मेरा ओ मेरा गोला, मेरा बोले ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, उसने कह दिया ओके। उसने कहा मुझे ईद में पापा चाहिए। उसने मुझे पकड़ा, नोट नहीं पकड़ा। मेरा बोता बोल गए गुगले। मेरा प्यारा बेटा, मेरे दोनों से जाते माशाल्लाह से।